हमारे देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आलम यह है कि औसतन 4 लाख नए मरीज और लगभग 4000 मौतें रोजाना हो रही हैं। पहले जहां सर्दी जुकाम के लक्षणों को कोरोना का सिम्टम माना जाता था, वहीं खुजली और गले में दर्द के साथ खराश, दस्त आना, आंख में दर्द होना, सिर दर्द होना, स्वाद और गंध का पता न चलना, त्वचा पर चकत्ते आना या फिर हाथ या पैर की अंगुलियों का रंग बदल जाना गंभीर लक्षणों में शामिल था। साथ ही सांस लेने में दिक्कत या फिर सांस फूलना, सीने में दर्द या दबाव, बोलने या चलने फिरने में असमर्थता समेत कई लक्षण अब कोरोना होने के संकेत हैं। अब इसके चलते आंखों की रोशनी भी जाने लगी है। इतना ही नहीं, पहली लहर के बाद कई गुना रफ्तार से दुगुनी लहर थमी भी नहीं कि तीसरी लहर आने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उससे बच्चों के लिए खतरा बताया जा रहा है। हालांकि 10 मई को बीते 24 घंटे में 3,66,902 नए संक्रमित सामने आए, जबकि 3,751 की मौत हुई। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 37,36,648 हो गई है। लेकिन दूसरी लहर में ऐसा कई बार देखने को मिला जब एक दिन कम आंकड़ों की खुशी 24 घंटे भी बरकरार नहीं रह पाई और अगले ही दिन कोरोना के बढ़े हुए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कोरोना को अगर मात दे भी दी तो म्यूकोरमाइकोसिस का लोग शिकार हो रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में ये तेजी से फैल रहा है और समय पर उपचार नहीं होने पर कोविड से ठीक हुए मरीजों की जान जा रही है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को ये फंगस इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले लेता है और ये रोग इतना घातक है कि रोगी के बचने की संभावना महज 50% ही रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जनटी, में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना काल में एक जन भागीदारी के नाते हमारे विशेषज्ञ लगातार हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं और हम एक कहेंगे कि एक हमारे साथ साथ जो विशेषज्ञ हैं, एक जन भागीदारी है और अलग अलग समय पे अलग अलग लोग अपनी राय दे रहे हैं। रिजल्ट यही आ रहा है कि आपको पैनिक नहीं होना है, कठिन समय है, इससे खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें भरोसा कैसे रखना है और भरोसा खुद पे रखना है। हर विशेषज्ञ यही कहता है कि अगर कहीं भी कोई अगर विपरीत स्थितियां बन भी जाती हैं तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत से काम लेना होगा। घबराने से स्थितियां बिगड़ सकती हैं, हर चिकित्सक यही बात कहता है, हर विशेषज्ञ यही बात कहता है और बात यहीं से नहीं, हमारे शास्त्र यही कहते हैं।
जो इन पे यकीन करते हैं कि अगर कोई कठिन समय में अगर घबराता है तो निश्चित रूप से आप एक दूसरी परेशानी को और पैदा करते हैं। आज हमारे साथ एक सीरीज जो हम लगातार चला रहे हैं, हर किसी की एक डिमांड रही, करीब 40 लोगों ने हमें 2 दिन में फोन करके ये बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस को लेकर के हम जानना चाहते हैं कि इसका कहां असर हो पा रहा है, क्या वास्तव में पहली बार आई है या पहले से चली आ रही है। बहुत सारे लोग, डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब आपको देख रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ कार्डिक प्रोफेसर विजय पाठक साहब हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ। ये वह पैनल है जो निश्चित रूप से अपने परिचय का मोहताज नहीं है और अपने अपनी राय भी रखेंगे। मैं अग्रवाल साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, ब्लैक फंगस को लेकर के एक भ्रांति है या वास्तव में सच्चाई है, और सच्चाई है तो क्या कोविड के इफेक्ट के बाद आ रही है या पहले से वर्षों से चली आ रही है या केसेस में इजाफा हो रहा है, कैसे देखा जाए इसे? देखो, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस बहुत पुरानी बीमारी है। ये जरूर है कि म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस काफी कम हुआ करते थे, अभी कोरोना काल में ये काफी बढ़ गए हैं। कोरोना काल के संदर्भ में हम अगर बात करें तो उसको बढ़ने का कारण हम ये मान रहे हैं कि काफी पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी लो है वो ज्यादा लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, और जब वो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं तो उनको जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में अगर वो पहले से डायबिटीज है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम थी और उनको स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं, लंबे टाइम तक ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, तो उनको इम्यूनिटी और ज्यादा वीक हो रही है। बीमारी खुद इम्यूनिटी को वीक कर रही है और उस वीकनेस की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस, इनको हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस बोलते हैं, जो बैक्टीरियल भी होते हैं और फंगल भी होते हैं, वो कॉमनली बढ़ गए हैं। जो फंगल इन्फेक्शंस है उसमें काफी वेराइटी है, कैंडिडा है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है या म्यूकर है, ऐसे कई और तरह के फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं। बट म्यूकर में एक खराबी क्या है कि ये बहुत जल्दी बढ़ता है, कैंडिडा बहुत धीरे बढ़ता है। म्यूकर इन्फेक्शन जब शरीर में आता है तो कॉमनली हम बात करें तो ये ओरल कैविटी, नेजल कैविटी में शुरू आता है और वहां से धीरे धीरे बढ़कर शरीर के और हिस्सों में पहुंचता है। आंख और नाक, मतलब नेजल कैविटी बहुत पास पास है, नेजल कैविटी और आंख के बीच में कुछ बोन्स होती हैं जो काफी थिन होती हैं, वहां से उनको ये गला देता है तो वहां के थ्रू ये आंख में पहुंचता है। आंख में जहां तक हम केसेस की बात करें तो कॉमनली केवल आंख में इन्फेक्शन हो रहा हो म्यूकर से, ऐसा नहीं आ रहा है। ये सारे इन्फेक्शन वो आ रहे हैं जिनमें पहले नाक में या मुंह में, गले में म्यूकर का इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आंख में या दिमाग में पहुंचा। जब ये आंख में पहुंचता है तो व्यक्ति को दिखने में कमी आ सकती है, एक ही जगह 2 दिखने लग सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पे म्यूकर आ रहा है वहां की मसल्स आंख को सही ढंग से घुमाने में या एक दूसरे के साथ चलने में दिक्कत महसूस करती हैं। तो जब 2 आंखें अगर अलग अलग चलती हैं तो हमें डबल विजन होने लगता है, और डबल विजन एक अर्ली साइन हो सकता है। जब कभी भी म्यूकर आंख के पहले नाक में या गले में आएगा तो वहां पर व्यक्ति को या तो जुकाम लगातार रहेगा, नाक में उसको ऐसा लगेगा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सवाल उठता है यहाँ पे कि म्यूकर के जब सिम्टम आप जैसे कह रहे हैं कि नोज या थ्रोट से इसका इन्फेक्शन शुरू होता है, बात सही है कि लंबे समय तक वेंटिलेटर पे आता है कि आपको सिम्टम इस तरह से दिखाई देते हैं, अलग अलग दोनों आंखों से कुछ विजन में असर आए, तो उस वक्त अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो क्या करे वो? जब कभी भी ऐसा होता है कि उसको लग रहा है कि नाक में बीमारी है तो ENT चेकअप पर आए, ओरल में है तो डेंटिस्ट को या ओरल कैविटी के लिए ENT चेकअप पर आए, और उससे अपन सबसे पहले अगर मालूम चल जाए कि म्यूकर शुरू हो गया है तो उसको मेडिकली मैनेज किया जा सकता है, जिसके लिए एंटीफंगल दवाएं आती हैं, उन एंटीफंगल दवाओं को टाइमली शुरू कर दिया जाए, इम्यूनिटी बूस्टर पर ध्यान दिया जाए। जो खास बात मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, शुगर का कंट्रोल बहुत मस्ट है और बिना जरूरत के स्टेरॉइड लेना सबसे घातक है। तो अगर स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, या कई लोग जैसे घर बैठ के स्टेरॉइड ले रहे हैं बिना डॉक्टर को दिखाए स्टेरॉइड ले रहे हैं, या सोच रहे हैं कि जैसे अखबारों में या मीडिया में कई जगह आ रहा है कि रेमडेसिविर और स्टेरॉइड एक ही काम करती है, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। हेडलाइन के लिए ठीक है कि उसकी जान बचाने में रेमडेसिविर की तरह स्टेरॉइड भी बहुत कारगर है, लेकिन ये कहना कि रेमडेसिविर की जगह स्टेरॉइड काम आ जाएगा और रेमडेसिविर का पैनिक होने से काफी लोग घरों पर स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, और घर पर स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं जब उसको जरूरत नहीं है, न उसकी केयर हो पा रही है,
और साथ में अपनी मर्जी से कुछ भी और तरह नाक में या उसमें लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाती है, तो वो काम ना करें। थोड़ा भी सिम्टम नाक में लग रहा है, वहां पे डिस्कलरेशन हो रहा है, नाक के आसपास पेन हो रहा है, साइनोसाइटिस हो रही है, या जैसे कहा कि डबल विजन आने लगा है, तो अर्जेंट चिकित्सक को दिखाकर, और इसमें मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच जरूरी है। फिजिशियन अपना काम करेगा व्यक्ति की दूसरी तकलीफों को देखने के लिए, ईएनटी वाला काम करेगा उसकी क्लीनिंग का या सफाई का, और आई वाले इसको देखेंगे कि क्या इसको मेडिकली मैनेज किया जाएगा या सर्जरी की जरूरत है। अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो ज्यादातर केसेज में नेजल कैविटी के थ्रू अप्रोच की जाती है, और वहां से क्लीन करते हुए आंख के अंदर तक, मतलब आंख के अंदर का मतलब मेरा कहना है कि आंख की जो आई बॉल है उसके पास में जो बोनी ऑर्बिट है जिसके अंदर आंख रहती है, उस हिस्से तक अप्रोच करके फंगस को साफ किया जा सकता है, और बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैं आ रहा हूं, अभी वापस लौटूंगा आपके पास में। अभी मैं एक बार विजय पाठक साहब से मुखातिब होऊंगा। पाठक साहब, बहुत सारे केसेस में ऐसा आ रहा है कि कोविड हुआ था उनको, वो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई लेकिन अटैक हुआ, उनको हार्ट अटैक आया, उससे डेथ हो गई उनकी, या बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं। कोई ये भी कह रहा है कि इसमें थक्का जम रहा है, ये क्या वजह है कि कोविड का कोई ये साइड इफेक्ट आ रहा है सर इसमें हार्ट को लेके? ऐसा बहुत सारे केसेस में रिसेंटली देखा गया है कि कोविड होने के बाद लोगों को जो कोएगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड है वो बढ़ जाती है, और सिर्फ हार्ट अटैक अकेला नहीं है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो जाता है इसमें, लंग्स में क्लॉट चला जाता है या पैरों में क्लॉट जाते हैं, तो कोएगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड बढ़ जाती है, जो रुधिर के जमने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है इसमें। उसके बहुत सारे कारण है, उनमें से एक कारण तो साइटोकाइन स्टॉर्म भी है, इंटरलीकेंस है, और इन्फ्लेमेशन, बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से ऐसा होता है। एंड एक्चुअली सिर्फ क्लॉट जमने का ही नहीं है, जैसे मिस्टर रोहित सरदाना के लिए था कि he was recovering from COVID and then ultimately an attack. हम लोग भी हॉस्पिटल में देखते हैं, बहुत सारे लोग इनिशियल डेज में अटैक के साथ आते थे और कोविड उनके पौधरे बढ़ जाता था। कुछ पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनका एंजियोप्लास्टी हुआ था रिसेंटली और वो वापस अटैक लेके आ गए, उनको हमने मेडिसिन से डाइल्यूट किया पहले, और उसके बाद अगर हमने उनको 7 दिन बाद या 5 दिन बाद दोबारा से एंजियोग्राफी किया तो देर वॉज नो क्लॉट, arteries were open. So most likely it is because of the COVID infection which is causing this. And attacks are not the only thing. If you want to ask me about heart, मैं आपको उसके अलावा और भी कुछ बता सकता हूँ. But in case you want to focus on attacks, then yes, the attack की प्रवृत्ति बढ़ी। जी तो सर, आफ्टर कोविड ये मुझे लगता है कि एक साइंस के लिए, मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है कि इसके साइड इफेक्ट्स जो आएंगे इस पे, एक तरह से कह सकते हैं कि हम एक रिसर्च की आवश्यकता है अभी। यस, रिसर्च बहुत हो रही है इसमें, पिछले 1.5 साल से जितने पेपर्स पब्लिक हुए हैं ऑलमोस्ट 80% 90% कोविड पे ही है। एंड हमारा भी अभी अभी पेपर रिसेंटली एक्सेप्ट हुआ है अमेरिकन थिंग, जो एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया जर्नल, यूरोपियन कार्डियक एरिथमिया जर्नल में, वेयर वी हैव रिव्यूड सो मेनी पेशेंट्स या सो मेनी आर्टिकल यहाँ पे कि हार्ट में एरिथमिया हो रहा है, and that is because of the COVID. Different types of arrhythmias होते हैं और वो COVID की वजह से होते हैं। Heart की muscle भी कुछ कर सकती है, वो भी COVID की वजह से होती है, जिसको हम लोग cardiomyopathy बोलते हैं या फिर Takotsubo cardiomyopathy बोलते हैं। दो तरह की heart muscle weakness हो सकती है, heart की rhythm कम से बढ़ के आदमी जान भी जा सकती है, भी हो सकता है, तो उस चीज का watch रखना जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी जो हम अभी एक जो रेगुलरली जो कोविड पेशेंट्स को मेडिसिंस दी जाती हैं उसमें खून पतला करने की दवा भी दी जा रही है, लगभग सभी को दी जाती है, तो ये कह सकते हैं कि वो नेसेसरी है या उसे रोका जाना चाहिए या उसका भी कोई साइड इफेक्ट आ सकता है? ठीक, अननेसेसरी मेडिसिन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जनरली किया जाता है जिसको डी-डाइमर टेस्ट बोलते हैं, और डी-डाइमर की वैल्यूज अगर सिग्निफिकेंटली बढ़ी हुई होती है तो उन लोगों को एंटीकोएगुलेशन देना चाहिए। अगर वो हाई रहते हैं तो 3 मिलीग्राम एंटीकोएगुलेशन ट्रीटमेंट डोजेस से दिया जाता है, प्रोफिलैक्टिक एंटीकोएगुलेशन रूटीनली फर्स्ट 10 टू 20 डेज दिया जाता है, व्हिच इज ऑन हाफ स्मॉलर डोज, जिससे प्रोफिलैक्टिकली ये हो गया आगे ना, स्पेशली वो लोग जो कि बेड में हैं, चल फिर नहीं कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली एंटीकोएगुलेशन दिया जाता है क्लॉट बनने से बदलने की टेंडेंसी को रोकने की लिए। डेफिनेटली पहले सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके बाद घर पे जाने के बाद न्यूअर एंटीकोएगुलेंट दिए जाते हैं जो कि अबाउट 21 डेज तक चलते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स में 3 मंथ्स तक ये दिया जाता है। तो यस,
जी पाठक साहब, एक सवाल उठता है यहाँ पे, सेकेंड वेव जो है कई कंट्रीज ने फेस किया है, कोई ऐसे रिसर्च डॉक्यूमेंट पब्लिश हुए हैं कि जिनकी वजह से कहा जा सकता है कि जो आज हिंदुस्तान फेस कर रहा है ऑलरेडी वो उन कंट्रीज में ये सारे सिम्टम दिखाई दे चुके हैं? इफ वी सी द वेव प्रोफाइल इन यूरोप एंड अमेरिका, जी दे वर डिवास्टेटिंग, बहुत खराब थे और उनके लोग हमसे ज्यादा मरे उस समय, जबकि वहां मेडिकल स्टडीज बहुत ज्यादा है, वेरी एडवांस्ड है, और उनकी प्रिपेयर्डनेस उनकी भी नहीं थी, हमारी भी नहीं है. बट आवर प्रॉब्लम इज दैट वी हैव अ न्यू वेरिएंट एंड वायरसेस आर नोन टू चेंज देयर फेसेस, मतलब वायरसेस अपनी शक्ल बदलने में जो कि आरएनए है वो ज्यादा प्रवृत्ति होती है उसकी कि अपनी फॉर्म बदल दे, एंड आपका यूजुअल वैक्सीन आपकी यूजुअल मेडिसिन वर्क नहीं करेगी एंड इट विल नॉट हैव प्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ, उसका इफेक्ट डेफिनेटली होगा. व्हाट जो मैंने अभी तक पढ़ा है, आप मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, मैं अभी साइंटिफिक फील्ड की बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, देयर इज अ वेरी फेमस जापानीज डॉक्टर हु इज अ नोबेल लॉरिएट एंड हु हैज चैलेंज्ड कि आई नो दैट यस दिस इज अ मैनमेड वायरस इज डिजाइंड फॉर बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंड इट इज नोन टू बिहेव डिफरेंटली. आई नो बट टू से कि चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, किसने किया, बट व्हाट इंडिया इज फेसिंग इज अ डिफरेंट वायरस. तो सेकंड वेव गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस इज वन थिंग, जो क्राउडिंग अलाउ की हुई है इलेक्शन में, दैट्स अनदर थिंग. द थर्ड थिंग द वायरस इटसेल्फ, जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टिव है एंड इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड अदर सिस्टम्स आल्सो. इट इज नॉट जस्ट बॉडी का सिस्टम, लंग्स देख लीजिए आप, हार्ट देख लीजिए, आई जैसे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बता रहे हैं, नोज, बोन, लंग्स की कैविटीज, everything is getting affected. जी. लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना सीवियर डिप्रेशन होता है कि वो बिल्कुल खुद कवर हो जाते हैं लेकिन डिप्रेशन चलता रहता है. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सर, कोई भी परिस्थितियां होती हैं, एक बार तो हम सडनली उसको फेस करने के लिए हम खड़े भी रहते हैं, मजबूरी में हम मानसिक रूप से तैयार भी रहते हैं कि हाँ इससे बाहर निकलना है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट लॉन्ग टाइम आपको देखने होंगे. और निश्चित रूप से ये बड़ी चीजें वो रहेंगी कि आपकी रेगुलरिटी ठीक से हो, हिम्मत हो. आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि बारिश आती है, रेगुलर आती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात आती है, उस पे वो तैयार भी रहते हैं कि अपने केलू वगैरह जो भी बना करके रह, लेकिन बादल फट गया उसकी अपेक्षा नहीं होती और कभी फट सकता. आई थिंक इंडिया में यही सब कुछ हो रहा है कि तैयारी तो थी कि हम बरसात को रोक पाएंगे, कि अगर बरसात ज्यादा भी आ रही है तो हम घर में रह करके भीगने से बच सकते हैं, लेकिन बादल फट गया और मकान ही बह जाएगा तो उसका कोई इलाज नहीं है. वो स्टेज आज हिंदुस्तान में आ गया है. आई थिंक आई वुड से तैयारी भी, लोगों की भी तैयारी, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये गया नहीं है, ये कभी भी वापस आ सकता है. इसमें गवर्नमेंट की गलती हम 1/3 मान सकते हैं, 1/3 वायरस की टेंडेंसी एंड द 1/3 मेजर चांसेस इग्नोरेंस, दे कांट गेट दिस. आप देखिए शादियों में क्या हाल था, अगर किसी के कुछ क्वेरीज हो तो आप बता सकते हैं. लाइव हम जोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स है. गुप्ता साहब, आपसे मेरा सवाल है, बहुत सारे पेरेंट्स ने फोन करके और मैसेज नोट कराया है कि क्या तीसरी लहर आएगी और आ रही तो वास्तव में बच्चों पर इसका इफेक्ट आएगा या सेकंड वेव है, वो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 साल का बच्चा भी, आज मैं देख रहा था कि 1.5 महीने की कोई बच्ची है, 9 दिन का बच्चा है, वो भी संक्रमित मिला है. ये बच्चों को लेकर के एक हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हुई है, हम इसे कैसे फेस कर पाएंगे और वास्तव में ये सब चीजें आ रही है क्या? जिस तरीके से ये कोविड की सेकेंड लहर आई है, और सेकेंड लहर आई है तो आपने खुद भी देखा है कि जितने नंबर ऑफ केसेस पहले से बहुत तेजी से बढ़े हैं, यानी कि वायरस की संक्रमण जो क्षमता है, संक्रमण फैलाने की क्षमता पहले से बहुत ज्यादा आई है. दूसरी चीज, इसमें जो इन्फेक्शन हो रहा है वो भी काफी सीवियर हो रहा है, और उसका नतीजा ये है कि अगर मोर्टेलिटी या कॉम्प्लिकेशन होना है तो बहुत तेजी से हो रहा है, और सारे सिस्टम लग जाए तो भी ऐसे पेशेंट का ठीक होना मुश्किल हो रहा है. तो डेफिनेटली ये कि कोरोना वायरस है जो उसका जो संरचना में बदलाव आया है, और उस बदलाव की वजह से एक बार जो सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं वायरस ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है. तीसरे वेव की संभावना इसलिए जताई जा रही है कि हो क्या रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण से बचाव करें, और आज की तारीख में हमारे पास 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति के लिए टीका है, और ये टीकाकरण तेजी से बढ़ेगा, और जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ेगा
वयस्क लोगों को या अडल्ट को 18 साल से ऊपर वाले लोगों को संक्रमण होने की संभावना, या अगर हुआ तो संक्रमण कम गंभीर होगा, ये वाली स्थिति आएगी। अब क्या होगा कि वायरस फिर एक म्यूटेशन की तरफ जाएगा जहां उसको वल्नरेबल पॉपुलेशन चाहिए, और वो वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसा आज दिखता है वो 18 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, और इसीलिए ये संभावना जताई जा रही है। ये दीज आर ऑल एपिडेमियोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज, जिस तरीके से बिहेव करती है। जैसे ये भी कहा जाता है जैसे कि आज आपका जो भी वेव की रफ्तार पीक पे पहुंचने की फास्ट होगी तो उतरने की रफ्तार भी उतनी ही फास्ट होगी, तो इसी तरीके से ये सब एपिडेमियोलॉजिकल प्रोजेक्शंस हैं। और इसीलिए माना जा रहा है कि जो अगर तीसरी वेव पहली बार आई और आई तो वो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक होगी, क्योंकि वो म्यूटेशन जो वायरस का होगा वो बच्चों के लिए स्पेशली बना होगा, और आने वाले टाइम में हमें इसीलिए बच्चों के लिए तैयारी करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल उठता है कि जैसे लगातार कहा जाता है कि आप लोग भी इस बात को कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम, आप योगा जो भी कर सकते हैं ताकि इम्यूनिटी बनी रहे, हम एक एडिशनल हमारे अंदर जो ताकत होती है वो रेगुलर वो एक्सरसाइज वगैरह से बनी रहे, खाने पीने का ध्यान हो, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं और जब हम देख रहे हैं हिस्ट्री 9-9 दिन के बच्चों में अगर कोविड आ रहा है तो ऐसे में पेरेंट्स को ही ख्याल रखना होगा वो पहले से मानसिक रूप से तैयार रहे, बच्चों को बचाया जा सके, उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? जैसे आपने बताया ना छोटे बच्चे 9 दिन के बच्चे को भी आया, तो ये गलती हमारे अडल्ट्स की हुई है। अडल्ट्स की गलती यूं है क्यों, आपका जो संक्रमण है, आपके अंदर जो इन्फेक्शन है, वो बच्चे को तभी लगेगा जब आपने अपनी जो भी सावधानियां रखनी है वो नहीं रखी। खास तौर से प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि बच्चा होने के बाद वाली जो स्थिति है उसमें माँ अगर संक्रमित है तो उसको ट्रिपल लेयर मास्क लगाना ही पड़ेगा। उसको 3 लेयर का मास्क लगा के अपने आप को, अपने से बच्चे को वायरस नहीं ट्रांसमिट करे उसके लिए ध्यान देना होगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग परमिटेड है। ब्रेस्ट फीडिंग से ये भी प्रूव हुआ है कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ नहीं जाता है वायरस, तो वायरस तभी जाएगा जब आपने संक्रमण अपने मुंह से बच्चे की तरफ जाने दिया। तो ये कहा जा सकता है सर, बच्चा जब पैदा होता है तो संक्रमित नहीं होता, ये तो माना जा सकता है? ये तो क्लियर है कि हाँ, अभी कोई भी एविडेंस नहीं आया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे में प्रेगनेंसी में हो, अभी नहीं है। बिल्कुल, तो छोटा बच्चा है तो निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि वो हमारी लापरवाही है कि हमने आफ्टर डिलीवरी अगर मास्क वियर नहीं किया या जो भी सामने उसको ले रहा है गोद में छींक दिया, तो निश्चित रूप से बच्चा संक्रमित हो सकता है। आप ये बिल्कुल एक निश्चित रूप से जो पेरेंट्स देख रहे हैं और मुझे जो PCR से कमांड मिल रही है, बहुत सारे लोग आपके साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनकी एक क्वेरी और है सर कि जैसे जो बच्चा, ये तो वो स्थिति हुई कि आफ्टर डिलीवरी वो बहुत ही एकदम स्मॉल बेबी है, वो अगर कोई बच्चा 5-7-10-15 साल तक का होता है उनको किस तरह से ध्यान रखना होगा? उन बच्चों के लिए तो तीनों चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो मास्क लगाना ही लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, भीड़ से दूर रहें। तीसरी चीज, अच्छा खाना खाएं, यानी कि वो खाना ऐसा होना चाहिए जो ताजा हो, जिसमें ताजा सब्जियां हो, ताजा फल हो और फ्रेशली कुक्ड हो। तो उसमें क्या कि मिनरल्स और विटामिन जब मिलेंगे तो इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। और साथ ही बच्चों को जिस भी स्थिति में है, मान लीजिए आज लॉकडाउन है तो आपको जहां भी है, मान लीजिए आपके पास छत है या गार्डन है, कहीं भी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी करे बगैर हमारा इम्यून सिस्टम नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन टीचिंग हो रही है उसमें ये कॉम्पोनेंट भी बिल्ट इन होना चाहिए कि वहाँ उस ऑनलाइन एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटी किस तरीके से दी जा सके और समझाई जा सके, ताकि पेरेंट्स बच्चों में ये फिजिकल एक्टिविटी कराएं। तो वो दो चीजें जो इम्यूनिटी इंप्रूव करे एक तरफ, दूसरी चीज तनाव से दूर रहें, चौथी चीज सही साइट्स पे जाएं, सही मैसेजेस लें, क्योंकि आज की तारीख में मैसेजेस इतने आ रहे हैं जो कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ साइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक है, तो इसलिए वो सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को वही मैसेज दें जो कि एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी से आ रहा है। नॉन एस्टैब्लिश्ड एजेंसी के मैसेजेस से दूर रहें, वो बड़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा इतना हमारे यहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी थी, वैक्सीन रेजिस्टेंस था, जब सरकार बुला के कह रही थी वैक्सीन लगाओ नहीं लगा रहे थे, और आज जब उनके खुद के दिल में भय आया, लोगों ने लाइन लगाई, और आज ये हाल है कि रोज 10 सिफारिश आती है मेरा टीका लगाओ। तो इसलिए हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है आने वाले समय में, ताकि हमारे परिवार में, हमारे समाज में बच्चे और बड़े स्वस्थ रह सके। जी,
डॉक्टर अग्रवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। गुप्ता साहब ने जो बात बताई उसका एक रिलेवेंट मैटर आपके साथ में भी है। निश्चित रूप से बच्चे करीब एक साल से ज्यादा वक्त में घरों में एक तरह से कैद कह रहा हूं मैं, ये बीच का एक छोटा सा टाइम मिला जिसमें रेस्टोरों में भी भीड़ देखी गई, कोई अपने नानी के जा रहा है, मैरिज देख रहा है, वो मास्क वियर किए हुए, लेकिन एक बार फिर से वापस जो गर्मियों की छुट्टियां एग्जाम के बाद वो अपने किसी के जाते थे या घूमने का प्लान बनाते थे, इस वक्त सिर्फ प्लान एक ही है कि कल मुझे कैसे बचना है। तो वो दिन भर या तो वीडियो गेम में या फिर क्लासेस भी होती हैं उनके, चार चार पांच पांच घंटे तक क्लासेस, तो ऐसे वक्त में आपको सलाह देंगे पेरेंट्स को भी और खासकर स्कूल्स को भी, वो किस तरह से गैप कर सकते हैं बच्चों की क्लासेस में, क्योंकि हर 10 मिनट बाद में उसकी क्लास है, आंखों पे भी असर आ रहा होगा जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो ऐसी पोजिशन में बच्चों के लिए क्लासेस लेना, अगर टाइम है नहीं क्योंकि अब कितनी देर खेल सकते हैं, गली मोहल्ले में जा नहीं सकते, तो वो बच्चे क्या करें? देखो एक चीज बहुत सिंपल जो गुप्ता साहब ने बताई बहुत क्लियरली है कि ये वायरस सिर्फ आदमी से आदमी में फैलता है। ये वायरस अगर आदमी एक दूसरे के पास आएंगे बिना प्रोटेक्शन के, मतलब मास्क नहीं पहना हुआ है, साथ में बैठ रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, चाहे घर है चाहे समाज है या कहीं भी किसी काम में, तो ही वायरस एक से दूसरे को जाएगा। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट बताई है कि ये वायरस जब कभी भी ऐसा देखता है कि एक से दूसरे में जाने में दिक्कत महसूस कर रहा है तो म्यूटेशन होता है, या जब भी म्यूटेशन होता है तभी वो दूसरे व्यक्ति में जा पाता है। तो अगर हम अभी से नियम बना लें कि हम घर में भी मास्क में रहेंगे अगर हम साथ बैठ रहे हैं तो, क्योंकि हम साथ बैठ के बातें कर सकते हैं मास्क लगे में, किसी भी काम में मास्क से दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ मन की बात है कि हमें मास्क पहनना पसंद नहीं है, हमें ये आदत बनानी पड़ेगी। चाइना में मैंने मालूम किया काफी लोगों से, तो वहां पे मास्क पहनने की एक कॉमन आदत पहले से ही थी, कोरोना के पहले से भी। उसका एक कारण वहां ठंड होना भी था और पोल्यूशन भी ये कारण है। अगर हम सब भी अगले एक साल के लिए घर में भी मास्क में रहने की आदत बना लें तो कोरोना का जल्दी खत्म किया जा सकता है। दूसरी बात जो आपने बच्चों के लिए पूछी है ऑनलाइन क्लास से, मेरे को इमीडिएटली एक आइडिया आया है, अगर गुप्ता साहब उसको हेल्प करेंगे तो शायद स्कूलों में चालू हो जाएगा जी सर। कि जो भी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं उसमें एक नियम बन जाए कि जो सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है वो फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास होगी, उसमें बच्चे को वीडियो ऑन रखना पड़ेगा और टीचर के सामने फिजिकल एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा वीडियो ऑन रख के। वो सिंपल चलना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, स्कीपिंग हो सकता है, उठक बैठक हो सकता है, या जो देशी किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो घर पे हो सकती है उन एक्सरसाइजेस का एक शेड्यूल बन सकता है। इट मे बी ऑन अ डेली बेसिस डिफरेंट एक्सरसाइज करा सकते हैं, इट मे बी ए शेड्यूल जिसमें कि हम अलग अलग एक्सरसाइज को एक घंटे में, 20 मिनट में, 15 मिनट में, जितना वो जरूरी समझे एज के हिसाब से उसको बांध सकते हैं, और उसकी अटेंडेंस मस्ट हो और वो अटेंडेंस होने के बाद ही उस दिन की अटेंडेंस काउंट की जाए। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बन जाए ऑनलाइन क्लासेस के साथ तो बच्चे में फिजिकल एक्टिविटी के प्रति जागरूकता भी आएगी, उसके हम नंबरिंग भी कर सकते हैं जिसमें हम उनको वेटेज भी दे सकते हैं कि जो जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगा उसको सब्जेक्ट्स में भी उसके हिसाब से नंबर परसेंटेज बढ़कर मिलेगा, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग मेंटल टेंशन, दिस विल कीप देम एक्टिव। और काफी बच्चे जो हम जानते हैं सभी कि क्लास सुनते समय सिर्फ बिस्तर पर लेटे हुए हैं, क्लास ऑन है और बच्चा कहीं और है, सिर्फ वो एक ऑनलाइन क्लास चालू है जिसमें टीचर बोल रहा है और वो सुन नहीं रहे हैं या सुन रहे हैं। ऑनलाइन में जैसे कि कोई भी जो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम के, सब में वीडियो कॉलिंग या वीडियो फैसिलिटी अवेलेबल है, हर बच्चे की वीडियो जांच की जा सकती है और उनको बताया जा सकता है कि आप वीडियो पे एक्टिव नहीं थे, आप सो रहे थे या आप क्लास से दूर थे। इन चीजों से हम फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से दूरी रखते हुए और फिजिकल एक्सरसाइज से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट सकते हुए और इन चीजों के करने से हमारा जो ध्यान है वो भी फिजिकल हेल्थ की तरफ ज्यादा जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है कि जब बच्चा कुछ भी एक्टिविटी करता है तो और चीजों को भूल जाता है तो स्ट्रेस ना रहेगा। साथ ही मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा जो गुप्ता साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि सिर्फ ऑथराइज एजेंसी से ही इंफॉर्मेशन लें। मेरा यह मानना है कि घर में जब हम रहें तो खास करके इसके नेगेटिव बातें ना करें कि इतना केस हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसी डेथ हो गई या वो लोग सीरियस हो गए। और दूसरी चीज है कि इस इंफॉर्मेशन के लिए टाइम को बहुत ज्यादा कट डाउन कर दें, दिन में 5-10-15 मिनट मैक्सिमम तक ही हम इसके बारे में जानकारी लें, बाकी टाइम हम इसके बारे में जानकारी चाहे अखबार हो, टीवी हो या ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, इनसे नहीं लेंगे तो काफी पॉजिटिव रह सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कम से कम एक साल तक हमें मास्क में रहकर वायरस को फैलने से रोकना पड़ेगा। और जैसा पाठक साहब ने कहा कि सरकार की तैयारी थी लेकिन हम मन से तैयार नहीं थे, और आपने कहा कि बारिश आने की जगह बादल फट गया,
एक्चुअली में अगर हम मास्क में रहेंगे तो हम इस तैयारी को पूर्ण रूप से साकार रूप में देख सकेंगे कि यह वायरस नहीं फैल पाएगा। तो मेरे ख्याल से ये काम बहुत जरूरी है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को स्ट्रेस ना आए इसके लिए मेरी सलाह है कि क्लासेस को मोबाइल पर अटेंड करने के बजाय आईपैड, लैपटॉप या डेस्कटॉप बड़ी स्क्रीन पर अटेंड करें। इवन क्लासेस को अटेंड करने के लिए हम टीवी का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सब्जेक्ट का वो चीज हम टीवी पर भी देख सकते हैं जो मोबाइल पर आ रही है। तो मोबाइल पर लगातार देखने से क्या होता है, एक तो जैसे आपने कहा कि बच्चा मोबाइल को हाथ में पकड़े रहेगा या उसके बिल्कुल पास बैठा रहेगा, उसका पोस्चर भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अग्रवाल साहब, मैं आपके पास में लौट रहा हूँ, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खास खबर में पर एक के नाते हमारे साथ एक टीम जुड़ी हुई है। डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विजय पाठक साहब जुड़े हैं, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। मैं पाठक साहब आपके पास आना चाहूंगा अभी। जी, तो ब्लैक फंगस जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस, क्या इसका असर हार्ट पे भी आ सकता है? जैसे बता रहे हैं कि नोज, थ्रोट, आई, इस पे इन्फेक्शन आ रहा है उसका, तो हार्ट पे भी इसका असर जा सकता है? अल्टीमेटली लॉन्ग इन पेशेंट्स फंगल इन्फेक्शन, मतलब जब इम्यूनिटी है जैसे अगर ग्रो उसकी वजह से हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं उन पर आ सकते हैं, जिसको हम फंगल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है सर थोड़ी। या गुप्ता साहब के यहाँ से आ रही है। गुप्ता साहब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है अभी। पाठक साहब क्या हमारी जो वेंस हैं जो हार्ट तक पहुंचती हैं उनमें से कहीं ये फंक्शन की कोई संभावनाएं बनती हैं? आवाज डिस्टर्ब है किसी के यहाँ से? नहीं, मेरे को तो आवाज साफ आ रही है आपकी। जी जी हाँ पाठक साहब, सवाल ये है कि हमारी जो ब्लड वेंस हैं जो हार्ट तक पहुंचती हैं, क्या इसके जरिए कहीं ब्लैक फंगस का खतरा वहां भी हो सकता है, या पर्टिकुलर जो पार्ट है हमारा नाक, कान, गला और आंखें, बस यहीं तक इसका असर हो सकता है? या जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं अभी, क्योंकि डॉक्टर्स की भी मजबूरी होती है कि अगर कोविड में बहुत सारी जगह से डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि स्टेरॉइड्स भी देने पड़ रहे हैं कईयों को, तो इसका कोई असर जा सकता है हार्ट पे? देखिए जी, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं हार्ट के, ग्रेजुअली जनरली धीरे धीरे लॉज हो गया, तो वो वेजिटेशन जो होता है धीरे धीरे करके ग्रो करता है, दैट कैन बी सो बिग, वहां से छूट जाए तो किसी भी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। तो एंड कभी कभी ब्रेन में जाकर लॉज हो सकते हैं, विच हैपन्स फंगल एंडोकार्डाइटिस में, दिस कैन हैपन कि ये क्योंकि फंगल एंडोकार्डाइटिस जब भी होती है, ये तो कोविड की बात है, अदरवाइज आल्सो फंगल एंडोकार्डाइटिस जब भी होती है तो हमारा ये प्रयास रहता है, इज एन इंडिकेशन टू गेट सर्जिकल रिमूवल डन, बिकॉज़ उनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है मेडिकल थेरेपी से, एंड दे एम्बोलाइज एनी टाइम, गो टू वन आर्टरी और दे मे गो टू द लंग एंड कॉल कॉज फंगल एब्सेसेस, जो
लंग्स में लंग एब्सेंस हो जाता है, फंगस एंड इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में फंगस बहुत फ्लरिश करता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट, इसलिए यू हैव टू टेक इट आउट। और अगर यही एस्केप हो गए आर्टरी, आई की आर्टरी में चली जाए या ब्रेन की आर्टरी में चली जाए तो लकवा या ब्लाइंडनेस। बिल्कुल अशोक गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि एक ये ब्लैक फंगस को लेकर के बहुत सारे लोगों की चिंता है इस वक्त, काफी चल रहा है, और जैसे वीरेंद्र अग्रवाल साहब ने कहा कि थोड़ा सा मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहिए कि बीमारियां पहले से चली आ रही हैं, अगर केसेस कुछ बढ़ रहे हैं तो बिना चिकित्सकों की सलाह या विशेषज्ञ की राय के ऐसे आर्टिकल्स को भी पब्लिश नहीं करना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, जन टीवी प्रॉमिस करता है कि ऐसी कोई भी चीज जिससे पैनिक हो सकते हैं लोग उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाए, निश्चित रूप से ये हमारी जन भागीदारी होगी। गुप्ता साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, कुछ बच्चों में भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं कि उनकी आंख प्रेशर आ रहा हो या नोज थ्रोट इस तरह के इन्फेक्शन से उनकी आई विजन पे असर आ रहा हो या कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं सर? नहीं, अभी तक जितने भी हमारे पास केसेस आए हैं उनमें या तो पेट की बीमारी करके आए या जॉन्डिस करके आए और खांसी जुकाम निमोनिया या सांस में तकलीफ और कभी कभी बेहोशी और दौरे की बीमारी लेके आए। फंगल इन्फेक्शन लेके अभी तक कोई भी पेशेंट नहीं आया, और मतलब जितना हमारा डेटा एनालिसिस हमने किया है, करीब 108 या 110 बच्चों का हमने डेटा एनालिसिस किया था, उसमें किसी में भी फंगल इन्फेक्शन नहीं था। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन जनरली जो देखने को मिलता है हमारे मतलब पीडियाट्रिक एज ग्रुप में वो ये है, तब कि जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तब ये एटिपिकल इन्फेक्शन होने लगते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो या उसको एंटीबायोटिक्स काफी लंबे समय तक मिल गई हो या उसको स्टेरॉइड्स भी बहुत लंबे समय तक, शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स जरूर आपकी इम्यूनिटी नहीं सप्रेस करेगा। इसलिए अभी फंगल इन्फेक्शन वाले केसेस हमारे को देखने को नहीं मिल रहे, केवल उन बच्चों में जिनमें को मॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे पाठक साहब कह रहे थे कार्डियक डिसऑर्डर है, उनमें कभी कभी आपको मिल सकते हैं, बट अभी अनयूजुअल है। और जो बात आप बता रहे थे वो बिल्कुल सही है कि मीडिया को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, खासतौर से ये एक पेंडेमिक हमारी सबकी जिंदगी पे असर डाल रहा है, कोई भी अपनी रेटिंग बढ़ाने के हिसाब से, कोई न्यूज वैल्यू के हिसाब से अगर लिखना शुरू होंगे तो हो सकता है कि हम इतने एटिपिकल केसेस, क्योंकि हमारे में से हर डॉक्टर कम से कम भी रोज 10 एटिपिकल केसेस देखता है, और एक एक एटिपिकल केस की स्टोरी जैसे ही पन्ने पढ़ने को मिलती है हर आदमी को लगता है अरे ये क्या और नया धमाका हो गया है। और ये फैक्ट है, क्योंकि आज मेरे घर में मेरी वाइफ ही पूछी थी और ये फंगल इन्फेक्शन आंख में पहुंच रहा है तो अपने कैसे पता लगेगा, मतलब इतना एक आम आदमी के दिमाग में बैठ गई है। तो आई थिंक रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, ब्लैक फंगस तो उस तरह की चीजें चल गई कि जैसे एक बार हिंदुस्तान में कुछ समय के लिए चोटी काटना शुरू हो कि उसकी चोटी कट गई, उसकी चोटी कट गई, चोटियां पहले से भी कट रही थी लेकिन उस वक्त कुछ ज्यादा हो गई, और ये ब्लैक फंगस भी उसी तरह से आ रहा है कि अभी जैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि नई बीमारी नहीं है, हाँ केसेस थोड़े बढ़ सकते हैं कि लंबे समय तक किसी को स्टेरॉइड्स दिया या ऑक्सीजन पे चले गए, वेंटिलेटर पे जो लोग रहे उसकी वजह से वो जिसके ऑलरेडी भी अगर किसी के साइनस की प्रॉब्लम है तो वो उसमें जा सकता है। डॉक्टर साहब आपने एक बात कही कि अभी हमारे पास में जो केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि डायरिया के केसेज आ रहे हैं, किसी में पेट के बढ़ने के आ रहे हैं या फिर बच्चों में निमोनिया के आ रहे हैं, ये सर आफ्टर कोविड या फिर कोविड के साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं? ऑलरेडी ऐसी बीमारियां तो हम लोग जनरली जब वेदर चेंज होता है तो देखते ही आ रहे हैं, कैसे देखा जाए इसे? नहीं, ये आप जो कह रहे हो सही है कि वेदर चेंज के साथ ये सारे डिजीजेस आती हैं, पर अभी हमारी सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ी हुई है कि इन लक्षणों में एक बार कोविड अगर आपके बारे में कोई इस तरीके की बीमारी है, कोविड का कोई केस आपके फैमिली में, डेफिनेटली आप हाई मतलब हाई पॉसिबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो रूटीन में मतलब हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट, और दूसरा एक क्लिनिकल मतलब एक क्लिनिकल सेंस पे डिपेंडेंट होता है, तो वो दोनों यूज करके डिजीज डायग्नोज किया जाता है। एक जरूर नई समस्या जो ज्यादा बच्चों में देखने को मिल रही है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी, ये नया, ये घातक, और इसमें काफी बच्चे फिर भी हो रहे हैं। जी अग्रवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त हर व्यक्ति देखता है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है मुझे, या देखेंगे कहीं पे कहीं मैं अभी कोविड के दायरे में नहीं आ जाऊं, हर व्यक्ति बचता है अभी। हम भी कोशिश भी करते हैं, सलाह भी देते हैं कि आप लोग घर में रहिए, क्योंकि इन केस अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है या वो हॉस्पिटल भी नहीं गया उसको ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है,
तो घर बैठे अगर कोई व्यक्ति जिसको लगे कि हाँ मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, कई लोगों के क्या है कि मेंटेलिटी भी बन जाती है कि अच्छा थोड़ा सा सोके भी उठते हैं और काला दाना एक दिखना शुरू होता है कि अच्छा अच्छा कहीं वो ब्लैक फंगस तो नहीं आ गया है दिमाग में, तो ऐसे केसेस में सर सेल्फ कोई अपना डिसीजन कर सके हैं या ये कहें कि एनालिसिस करे वो, तो सबसे पहले जो काला जो लाल होता है वो काला हो गया है, उसमें लगातार उसको जुखाम चल रहा है, उसको उस तरफ दर्द जी चले डॉक्टर साहब के यहां से ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है, डॉक्टर साहब आपका मुझे लग रहा है कि सिस्टम म्यूट हो गया सर, उसे अनम्यूट करिए, डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब आप अनम्यूट करिए, उसे म्यूट हो गया आपके यहां से सिस्टम, हेलो हाँ अग्रवाल साहब ये आपके यहां से म्यूट हो गया था सिस्टम जी, कंटिन्यू करिए आप। हाँ वो कनेक्शन हो गया, मैं कह रहा था कि जैसे कि मैंने बताया कि वो आंख के बजाय पहले नाक में या मुंह में या नाक के आसपास के हिस्से में कुछ डिस्कलरेशन होने लगेगा, कालापन आने लगेगा, उसको लगातार जुखाम रहने लगेगा, उस हिस्से में उसको दर्द रहने लगेगा जिसका प्रेजेंटेशन साइनोसाइटिस की तरह भी हो सकता है, आधे हिस्से में सर के आधे हिस्से में या नाक के आधे हिस्से में दर्द होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा, तो इस चीज से हमें डाउट होने लगेगा कि कोई और बीमारी है जो कोरोना के अलावा है, क्योंकि कोरोना में कलर चेंज नहीं होता, कोरोना में पेन नहीं होता, कोरोना में साइनोसाइटिस नहीं होता, इस चीज को देखकर हम डाउट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। अगर किसी व्यक्ति को डबल दिखने लग गया है इसका मतलब उसने मिसिंग हुई है और वो हिस्से में नाक से आंख पर भी असर डालने लग गया है, तो वो हमें ध्यान रखना है। अब जब भी डबल दिखने लगे उसके और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हमें चिकित्सक को दिखाना नहायत जरूरी है। जो लोग पेशेंट ज्यादातर पेशेंट हम जैसे अभी शहर की बात करें, कम से कम ज्यादातर लोगों को नेत्र चिकित्सक सुविधाएं आशा की उपलब्ध हैं, ज्यादातर लोग किसी किसी आदमी से कॉन्टेक्ट में पहले रह चुके होते हैं, इसलिए उनको फोन नंबर्स भी होते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मीडिया की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हेल्पलाइन लेस बने डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी के स्पेशलिस्ट को, उनको इम्यूनिटी देते हुए कि ऑनलाइन कंसल्टेशन किया जाएगा, उसके पीछे चूंकि पूरी जानकारी नहीं ली जा सकती है तो किसी तरह का लीगल केसेज उन पर नहीं बनेंगे, ये करते हुए हम मरीजों को सांत्वना या उनको चिकित्सीय सलाह दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कब आपका चेकअप फिजिकल रूप में जरूरी है। पेशेंट लोग जो डर जाते हैं वो बार बार फोन करते हैं, वो चीज भी कंट्रोल जरूरी है, लेकिन पेशेंट अवेयर नहीं हो ऐसा भी गलत है। तो पेशेंट को अवेयरनेस के लिए अगर चिकित्सक सुविधाएं मिलती रहती हैं तो काफी टेंशन को हम कम कर सकते हैं। और इस समय जैसा कि गुप्ता साहब ने भी कहा, पाठक साहब ने भी कहा कि पैनिक नहीं होना है, लेकिन सही जानकारी होना जरूरी है। जब कभी छोटे भी सिम्टम्स आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें चाहे पहले डायबिटीज नहीं रही हो, स्टेरॉइड यूज के कारण डायबिटीज हो सकता है हो गई हो, और डायबिटीज अकेली बीमारी नहीं है जिसमें कि इम्यूनिटी कम होती है, किसी को कैंसर चल रहा था, किसी और को कोई और लंबी बीमारी चल रही थी, इवन जैसे जोड़ों का दर्द है, पेट में दर्द है, इनके लिए भी कई तरह के इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवाएं चल रही होती हैं, कई बार एलर्जीज के लिए इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवाएं चल रही होती हैं, तो उन कारणों में भी या उन केसेज में भी फंगल इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है। फंगल इन्फेक्शन प्राइमरीली हेल्दी पेशेंट में नहीं होता है, ये एक मौका ढूंढता है। जब कभी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होती है, व्यक्ति अन्य बीमारियों से ग्रसित होता है या कुछ और दवाएं लंबे समय चल रही होती हैं, यहाँ मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि बिना जरूरत के घर बैठे जबरदस्ती ज्यादा दवाइयां लेना, खास करके एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स या और दवाइयां लेने से नुकसान हो सकता है। मैं किसी पेशेंट के में नहीं हूँ, लेकिन एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि कई लोग कई तरह की चीजें नाक में या मुंह में डालकर ये मान रहे हैं कि उससे उनको बीमारी से निजात मिल जाएगी या उनको बीमारी नहीं होगी, खास करके घर पे प्रिपेयर्ड वेजिटेबल चीजें जिनको हम जबरदस्ती नाक में या मुंह में रख लेते हैं उसमें फंगस होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। फंगल इन्फेक्शन प्राइमरीली वेजिटेबल सोर्स से आता है, इसलिए उन चीजों से बचें ये जरूरी है।
जी सर, पाठक साहब आपके पास आना चाहूंगा सर। कोविड का ये टाइम जैसे साइड इफेक्ट्स के लिए कह रहे हैं कि डायबिटीज जिनको है, क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से ऑलरेडी जो अगर किसी की बॉडी में कोई भी डिजीज है तो इंक्रीज हो जाती है, ये बात सही है ये, तो यहाँ पे हार्ट पेशेंट्स को सर किस तरह से ध्यान रखना होगा? हार्ट को अगर उनकी ऑलरेडी दवाइयां चल रही हैं रेगुलर, तो उनको फॉलो अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वैसे ही व्हाट्सएप पे देखना कि कोई और मेडिकेशन ऑफ एनी मेडिसिंस तो नहीं चाहिए उनको, दैट्स ऑल। कहीं जैसे पैरों में अचानक दर्द होने लगता है, पैर में सूजन आ जाए, अचानक बहुत ज्यादा फूलने लगे या खांसी में खून आए, इस समय है कि ब्लड बॉडी में क्लॉटिंग की या चेस्ट में पेन हो, बॉडी में क्लॉटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, और उसको मैनेज करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि आजकल डॉक्टर ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डायरेक्ट क्रॉस इंफेक्शन, इवन द डॉक्टर्स आर अवॉइडिंग एंड राइटली। जी बिल्कुल सर, क्योंकि यही हमारी एक वजह थी कि एटलीस्ट लोगों तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि आप सब लोग भी निश्चित रूप से चाहते हैं कि एक अवेयरनेस आना भी बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल अशोक गुप्ता साहब से होगा, सर समय कम है, मैं जानना चाहूंगा कि खासकर वो पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं, छोटे बच्चे जिनके हैं, कोविड के दौरान वो खास रूप से क्या ख्याल रखें? कोविड के दौरान बच्चों के इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, खासतौर से उनकी न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, साथ ही उनकी पढ़ाई का ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि उनके अंदर कोई मानसिक अवसाद तो नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है वो है बच्चों के अंदर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्लीप इंडक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, मतलब फिजिकल मेंटल दोनों ही एडवर्स इफेक्ट्स, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट कोविड की प्रेजेंस से हो रहा है। तो बस ये ध्यान रखें कि बच्चे आपके हेल्दी रहें और वो मेंटली भी स्वस्थ रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी तो सर, ये आपके निश्चित रूप से आप लोगों के जो सुझाव हैं हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं और निश्चित रूप से वो कारगर होंगे, लोग गौर भी फरमाएंगे इस पे। हम मकसद हमारा यही था कि लोग देख रहे हैं कितने लोग मर गए, ये इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन होगा, इसी वजह से हमारे एक विशेषज्ञों के एक पैनल हमने आज दर्शकों के लिए रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला उसके लिए। और खास राइट सर, थैंक यू सर। I want to say one last thing that जो preventive aspect है COVID का, sir, वो उसमें जो preventive aspect है COVID का, जैसे कि अशोक बॉस ने या डॉक्टर वीरेंद्र बताया, mask and social distance, everything, we should not forget our role in spread of this disease. इस बीमारी के बढ़ने में या फैलने में हमें अपना रोल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारी लापरवाही गेट्स अस देयर, और दूसरों को भी फंसाने में वही कामयाब होते हैं जो कि अपने तरफ लापरवाह रहते हैं, टाइमली इलाज नहीं लेते, अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, जुकाम हुआ है मेरे और कुछ नहीं हुआ है, दैट इज ब्लडी रॉन्ग। अबव ऑल एवरी इंडियन मस्ट नो दैट द कोविड हैज टॉट अस दैट आवर पॉपुलेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड। हमारी पॉपुलेशन 15-20 कंट्रीज से भी ज्यादा है, विच इंक्लूड्स अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप। थैंक यू डॉक्टर, और निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी हैं जो विशेषज्ञ भी चाहते हैं कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी तरह की अगर कहीं भी कोई गफलत अगर कहीं दिखाई दे रही है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपने दिमाग को उपयोग से ना करें।